हेलो बच्चों, आई एम अवनीश सिंह, डायरेक्टर रिवॉल्व कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आपको एक बच्ची, एक हार्ड वर्किंग बच्ची दीपाली पटेल से मिलवाना चाहूँगा। लास्ट ईयर दीपाली का स्कोर कुछ कम आ रहा था। दीपाली ने किसी अन्य संस्थान से कोचिंग ली थी। इस साल दीपाली ने रिवॉल्व ज्वाइन किया और दीपाली का जो एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है वो 636 मार्क्स आ रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि बायोलॉजी में दीपाली के 360 में 360 मार्क्स आ रहे हैं। तो और जानकारी हम दीपाली से। हमारा नाम दीपाली पटेल है। इस साल नीट के 2024 में हमारा जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो 636 है। हमारे जो बायो के स्कोर है वो 316 में से 360 है। ऑल थैंक्स टू अवनी सर एंड रवि सर, जिनके नोट्स और गाइडेंस के वजह से 360 में से 360 हम ला पाए। हमारी जो नीट की जर्नी स्टार्ट होती है वो रेजोनेंस से होती है, जो कि हम 11th और 12th हमने रेजोनेंस से ही की है। स्टार्टिंग से ही हमने जूलॉजी में अवनी सर को ही फॉलो किया है, और कहीं ना कहीं हमें लगता था कि हमें स्टार्टिंग से इवॉल्व ही ज्वाइन करना था। वहाँ पे ना ही हमें कोई गाइडेंस मिली, ना ही कोई ओरिएंटेशन मिली। हालांकि मेहनत तो वहाँ पे भी की थी, पर कोई डायरेक्शन नहीं थी। उसके बाद जब हमारा नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट 12th में हुआ था, तो उसमें हमारे स्कोर अच्छे नहीं। 2023 में हमने अपने फादर को मनाया कि हमें इवॉल्व में ही जाना है, फिर वहाँ पर एडमिशन लिया। स्टार्टिंग से ही वहाँ पर अच्छी गाइडेंस रही, डायरेक्शन रहा। स्टार्टिंग से ही हर एक चीज़ पर मोटिवेशन मिलते गया कि किस तरह से क्या करना है, सभी बताया गया। डाउट के लिए तो अलग से सेशन लगाए जाते थे, और डाउट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, टीचर उसको एकदम क्लियर किया करते थे, किसी भी डाउट को छोटा बड़े के नज़र। यहाँ के सारे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव और मोटिवेटिव है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले रवि सर हमारे घर पे आए थे, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन जो हुआ पक्का है। इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस हुआ, और दूसरे दिन हमने सर के बातों को ही सुनकर समझकर पेपर में बहुत अच्छा किया। ऑल थैंक्स टू इवॉल्व, आज जो हमारा सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू बच्चों। मैं आपको बता दूं कि दीपाली के फादर पहले इवॉल्व से कन्विंस नहीं थे, इवॉल्व में एडमिशन नहीं कराना चाहते थे इसका, वो ब्रांड देख रहे थे। मगर इसके एक भाई और एक बहन छोटे, क्या नाम है बच्चा? अनमोल और दीपांशी का एडमिशन उन्होंने यहीं कराया है, और वो जानते हैं कि यहाँ से वो दोनों भी डॉक्टर बनेंगे। तो ये फेथ है जो इवॉल्व ने डेवलप किया है। माना कि अभी हमारा ब्रांड नेम बहुत बड़ा नहीं है, 4 ही साल हमें हुए हैं, मगर हर साल 10% से ज़्यादा सेलेक्शन रेशो है। इस बार तो 20% करीब सेलेक्शन रेशो है। तो आप लोग इवॉल्व ज्वाइन कीजिए, फेथ करिए और सक्सीड होइए। थैंक यू।